हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना कंप्यूटर का सेवेंथ पार्ट है। इसके पहले छह वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आपके बीएचयू बीकॉम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में से दोस्तों छह क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड एक दो आपके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ज्यादा फोकस आपको अपने अदर सब्जेक्ट्स पे करना है, कंप्यूटर करंट अफेयर पे इतना फोकस मत कीजिए। ठीक है, एग्जाम की डेट 16 से 31 अगस्त है एंड जितना मैं जानता हूँ एग्जाम इसके बीच में हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तैयारी को अपने तेज कर दीजिए। ठीक है, तो जितना मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं उतना ही पढ़िएगा, ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पहला, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड टेक्नोलॉजी दोनों होगा, इसको याद रखिएगा। ARPANET का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, AAU का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों याद जो मैं आपको बताऊँ उतना ही। ATM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, ASCII बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे BMP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिट मैप। ठीक है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CDMA दोस्तों, कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस। आपने CDMA और GSM नाम सुना होगा, पहले GSM सिम चलते थे, यहाँ इसका GSM सिम बहुत चला था, तो ये टेक्नोलॉजी के नाम है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क EI टेबल। ठीक है, CD-ROM कंप्यूटराइज रेंज ऑफ मोशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये याद रखिएगा, CD-ROM ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। CPU ये तो आसान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जितना बताएं उतने ही याद कीजिएगा, आगे आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहो पढ़ो, मत पढ़ो, बट कोई फायदा नहीं है। ठीक है, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोस्तों CD और DVD दोनों क्या होती है, आपने CD/DVD देखी होगी, CD की जो स्पीड होती है वो, सॉरी स्टोरेज होती है वो 750 MB के आसपास की होती है, पर जो DVD की होती है वो 4.7 GB के आसपास की होती है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको नॉलेज के बता दिया। DBMS याद रखिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अगर आपसे RAM पूछता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, अगर D अज्ञात तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, DNS डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा, जितना बताए बस उतना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपको ROM का फॉर्म पता है, रीड ओनली मेमोरी, अगर दोस्तों आगे अज्ञात POM तो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर अज्ञात EPROM तो erasable programmable read only memory, और एक तो और ई लग गया तो electrically erasable programmable read only memory, electronically भी कह सकते हैं इसको, electrically भी कह सकते हैं, तो ROM का पता हो गया, programmable erasable and electrically, इसको याद रखिएगा। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, GB मतलब गीगाबाइट। ठीक है, GBPS गीगाबाइट पर सेकंड, गीगाबाइट ही कहते हैं इसको। ठीक है, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस याद रखिएगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTPS दोस्तों देखते होंगे जो वेबसाइट होती है, अगर वेबसाइट के आगे HTTPS नहीं लगा तो वो सिक्योर नहीं मानी जाती है, तो S अज्ञा मतलब सिक्योर हो गया वो। HTML मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC का इंटीग्रेटेड सर्किट, और दोस्तों यहाँ पे कुछ छूट, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक, यहाँ पे ज्वाइंट पिक्चर भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। KB मतलब किलोबाइट, KBPS मतलब किलोबाइट पर सेकंड, लोकल एरिया नेटवर्क। अब दोस्तों LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड, एक होता है CRT
पहले देखो यहाँ पे बहुत मोटा मोटा मॉनिटर आता था, इसको कहते हैं कैथोड, ये ट्यूब, इसको भी याद रखिएगा। पहले सीआरटी मॉनिटर चलता था, तो सीआरटी आया, फिर आपका एलईडी आया, सीआरटी डायोड, उसके बाद एलसीडी आया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ये सबको याद रखना है आपको। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड एमबीपीएस, MICR इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कुछ लोग इसको रीडर भी बोल देते हैं, ठीक है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास टैबलेट है। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा भैया, पैन नंबर मत बता देना अपना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये भी याद करना है। स्विच मोड पावर सप्लाई एंड ITF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। पीडीएफ का फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है ना, पीडीएफ। दोस्तों पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जिसको पता है, नहीं पता है तो गूगल करो, सर्च करो और बताओ पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी पता है, अगर आगे एस लग गया तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SMTP का फुल फॉर्म भी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। जितना बताया बस उतना, देखिए इतना मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, जो हम लोग पेनड्राइव लगाते हैं उसके आगे जो बना होता है ना, उसको बोलते हैं USB। UPS अनटेप्टेबल पावर सप्लाई, यहाँ पे अनटेप्टेड भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। वायस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, VGA वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, WWW वाइड वाइड वेब, ठीक है, ये अपना हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जो हो चुका होगा वो यहाँ पे नहीं देखेंगे अपना। AIU दोस्तों यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा, इसको याद करना है, ASCII, ATM बेसिक, BIOS, CRT, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैथोड ये ट्यूब, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो चीज़ इसमें, इसमें बहुत सारी चीज़ रिपीटेड भी है दोस्तों, ठीक है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBD, EPROM, देखिए यहाँ पे EEY नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ESP प्रोग्रामेबल ईडन मेमोरी, ESP प्रोग्रामेबल ईडन मेमोरी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसको आपसे पूछ सकता है। EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, इंटरपोलेशन नहीं है बट याद रखेना, ठीक है। GUI इंपॉर्टेंट, ग्राफिक यूजर इंटरफेस ग्राफिकल, FTP भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक GUI होता है, एक क्या होता है ग्राफिकल यूजर, एक होता है CUI कमांड यूजर इंटरफेस, HTML, HTTP, ISDN भी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, लोकल हो ही गया, SDI CD हो गया, CRT हो गया, LED हो गया, ठीक है ना, मैन भी हो गया, MICR भी हो चुका था, मॉडम को भी याद रखे ना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, OMI भी हो चुका है, OCR भी हो चुका है। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी हो चुका है, रैम भी हो चुका है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हो चुका है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए TFT एक टेक्नोलॉजी होती है, TFT ये आज से चलती नहीं है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, पहले था आपका LCD, LED, TFT और LCD, ठीक है। UPS अनडिटेक्टेबल पावर सप्लाई, ये भी याद रखना आपको, आईटीआई इसके या जिसके इंटीग्रेशन, UIL यूनिफॉर्म रिसोर्स इकोटर इम्पोर्टेंट है, USB हो गया, वैन हो गया, WW हो गया, ठीक है। इससे ज़रा आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछेगा दोस्तों, इतना फुल फॉर्म काफ़ी आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एंड इसमें कुछ था भी नहीं कि मैं आपको बताऊं, ऐसे आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बट मैंने आपके लिए कम कर दिया है, तो इतना पढ़ के जाइए, आपको ज़्यादा फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्दी आपके कुछ वीडियोस और हैं, जैसे कि MS Office के कुछ टॉपिक्स, ठीक ना,
एमएस ऑफिस के कुछ टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे कि शॉर्टकट कीज कुछ होती हैं उन सबको पढ़ेंगे, एंड मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे कि जीबी टीबी एमबी ये सब क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, एंड कुछ कंप्यूटर से जुड़े करंट अफेयर्स को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।